हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं शाही का पाठशाला। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ CHS रिजल्ट 2023 के बारे में। तो आपको बता दें कि CHS का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, उसका रिजल्ट आ चुका है। यानी कि आज 5 जून है और आज 5 जून को CHS क्लास 9th और क्लास 11th का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और आपको बता दें क्लास 6 का इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ था। क्लास 6 के बच्चों का एडमिशन वो इस बार भी लॉटरी के थ्रू होगा। तो लॉटरी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, अब बस काउंसलिंग होना बाकी है। बाकी क्लास 9th और क्लास 11th का रिजल्ट बाकी था, तो वो भी आज जारी कर दिया गया है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट BHUonline.in पर। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले CHS क्लास 9th और क्लास 11th के रिजल्ट के बारे में। हालांकि अभी तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है कि कितना कट ऑफ मार्क्स से कितना कट ऑफ मार्क्स तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी तक बस बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया है और बताया गया कि उनका कितना नंबर आया है और कितना उनका रैंक है, यही सब बस बताया गया। तो कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं CHS जुड़ी जानकारी दी गई, कैसे आपका रिजल्ट क्लास 9 और क्लास 11th का आ चुका है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का साथ में ही है, तो उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम से जुड़ी कोई जानकारी दी गई है। बाकी मेन जो जानकारी यहाँ पर है आपको कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, तो सबसे पहले आपको विजिट करना है BHUonline.in, जो कि BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जब आप इसको खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर सेट रिजल्ट 2023 आपको दिखेगा। तो वहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करके सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका रोल नंबर और साथ ही साथ आपका दिखाएगा कितना इंडेक्स है और ओवरऑल आपका रैंक कितना है, ये चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाएगा। बाकी पास है या फेल है ये नहीं दिखाएगा, बाकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी नहीं दिखाएगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता आपको तब चलेगा जब CHS की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा। अभी केवल आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बाकी आप ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो क्योंकि ये तभी पता चले आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तभी पता चलेगा जब CHS की तरफ से जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा, वो भी आज या कल में जल्दी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके इसको आप ओपन करके जाकर वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं कि यहाँ पर बताया गया आपका आंसर कि कब आया था, फिर आपका फाइनल आंसर कि कब आया, यही सब बताया, और आपका रिजल्ट कब आया यानी कि 5 जून का आपका रिजल्ट, ये सब और जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कट ऑफ से रिजल्ट को जानकारी दी गई, कट ऑफ वगैरह कब होगा और फिर आपका काउंसलिंग कब होगा, उससे भी जुड़ी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि क्लास 9th का जो काउंसलिंग है वो 22 जून को होगा, 11th का है वो 23 जून से स्टार्ट होगा और 27 जून तक अलग अलग स्ट्रीम वाइज काउंसलिंग होगा। उसके बाद फिर पेड सीट का काउंसलिंग होगा। तो पेड सीट क्या होता है मैं आपको अलग से पूरा वीडियो बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि पेड सीट एक्चुअली में होता क्या। बाकी पेड सीट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं कि पेड सीट क्या होता है और उसमें कितने पैसे लगते हैं और किस क्लास के बच्चों का पेड सीट के थ्रू सिलेक्शन होता है और कौन कौन से बच्चे पेड सीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रिजर्वेशन से जुड़ी जानकारी दी गई, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि CHS में कितना सीट है। यदि बॉयज़ स्कूल का देखें तो बॉयज़ स्कूल में क्लास 9th में 100 सीट है, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम में 38 सीट है, 50 सीट आपको दिखाया गया है स्टार देकर, क्योंकि अगर इंटरनल स्टूडेंट के अलावा जो सीट बचता है तो वो इसमें जुड़ जाता है। तो उसके बाद बात करें बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 सीट है और आर्ट स्ट्रीम में 12 सीट है और कॉमर्स स्ट्रीम में भी 12 है। ये बॉयज़ स्कूल था। वही देखें गर्ल्स स्कूल में, तो गर्ल्स स्कूल में 9th में केवल 6 सीट है और 11th में मैथ स्ट्रीम में 17 सीट है, बायोलॉजी स्ट्रीम में 16 है और आर्ट स्ट्रीम में 40 सीट है और कॉमर्स स्ट्रीम में 25 सीट है। ये गर्ल्स स्कूल था। तो बाकी यहाँ पर आपको नीचे स्कूल से जुड़ी जानकारियाँ दी गई है, जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ये बाकी आप अपना रिजल्ट चेक करना है तो BHUonline.in पर जाकर जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप वाइज बताया गया क्या क्या आपको फॉलो करना है, इन सब इन 6 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप विजिट कीजिए shahigyan.com, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको CHS से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।